नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह भदौरिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A1 कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे दिल्ली संतनत में सबसे ज्यादा शासकों का शासन देखने वाले एकमात्र कवि और भारत के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो यानी इनका पूरा नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो था। इनका जन्म, अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1243 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ। अगर क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन में अगर हमें एटा नहीं मिलता है उसके ऑप्शन में, तो एटा की जगह हमें मिलेगा कासगंज, क्योंकि एटा से जो डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? कासगंज अलग हो गया है। इसलिए अगर एटा नहीं मिलेगा तो हमें आंसर में कासगंज जरूर मिलेगा, तो कासगंज को भी याद रखें। इनके जन्म की बात कर ली तो 1243 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। उसके बाद महज 4 वर्ष की उम्र में ये दिल्ली आ गए। कहां पर जन्म हुआ था? एटा में जन्म हुआ था और 4 वर्ष की उम्र में ये दिल्ली आ गए। ऐसा माना जाता है कि इनकी माँ उस समय के तत्कालीन शासन जो चल रहा था दिल्ली सल्तनत में ग्यासुद्दीन बलवन का, और ग्यासुद्दीन बलवन के समय उनका जो युद्ध मंत्री था ग्यासुद्दीन बलवन का, उनकी बेटी ही इन अमीर खुसरो की माँ थी। इसी वजह से 4 वर्ष की उम्र में ही ये दिल्ली आ गए। 7 वर्ष की उम्र में इन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दी। कैसे शुरू कर दी? उस समय दिल्ली में एक प्रसिद्ध सूफी संत रहा करते थे जिनको हम सभी जानते हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया। कौन? हजरत निजामुद्दीन औलिया को गुरु मान लिया, यानी गुरु बना लिया इन्होंने, और उनसे ही शिक्षा प्राप्त करने लगे। और 7 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने इन्हें गुरु बनाया, ठीक है। और 7 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दी, और धीमे धीमे जैसे समय गुजरता गया ये एक प्रसिद्ध कवि के रूप में उभरने लगे। और जैसे ही उनकी उम्र 20 वर्ष की हुई, जब तक ये 20 वर्ष के हुए तो 20 वर्ष की आयु में ये एक प्रसिद्ध कवि बनकर उभरे दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। 20 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना जो कवि का कार्यकाल था, एक कवि का कार्यकाल, ये उस समय के तत्कालीन शासक ग्यासुद्दीन बलवन के समय में ही स्टार्ट कर दिया था। तो इनका जो कवि के रूप में जो इनका करियर था, उसकी शुरुआत इन्होंने बलवन के कार्यकाल में की, ग्यासुद्दीन बलवन के कार्यकाल में की, जो स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश का शासक था। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा शासकों का समय देखने वाले ये एकमात्र कवि हैं अमीर खुसरो। इन्होंने दिल्ली सल्तनत में 7 सुल्तानों का शासन देखा। कितने सुल्तानों का? 7 सुल्तानों का शासन देखा। ये इनका जो कार्यकाल शुरू तो हुआ था स्लेव डायनेस्टी के एक शासक ग्यासुद्दीन बलवन से, लेकिन इनका कार्यकाल एंड हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक डायनेस्टी का शासक है यानी रूलर है, उसके कार्यकाल में इनका जो करियर है वो एंड हुआ है। बाकी अगर हम इनकी बात करें तो पैरट ऑफ इंडिया, अगर इनकी उपलब्धियों की बात करें तो पैरट ऑफ इंडिया यानी तोता ए हिंद इन्हीं को कहा जाता है। तो पैरट ऑफ इंडिया यानी तोता ए हिंद इन्हीं को कहा जाता है। किसको? अमीर खुसरो को कहा जाता है। इन्होंने सितार व तबला के आविष्कार का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। किसका? सितार और तबला के आविष्कार का श्रेय इनको जाता है।
उत्तर पश्चिमी भारत में और उत्तर भारत में बोली जाने वाली खड़ी बोली का आविष्कार भी इन्होंने किया। किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। उसके बाद अगर हम बात करें कव्वाली गायकी की बात करें तो कव्वाली गायकी को शुरू भी इन्होंने किया था, यानी कव्वाली गायकी की शुरुआत भी किसने की थी? इन्हीं ने की थी, अमीर खुसरो ने की थी। इन्होंने ही अलाउद्दीन खिलजी को, इन्होंने ही जो इनका शासन, यानी ये तो इनका जो करियर था वो काफी समय तक चला, ग्यासुद्दीन बलबन के बाद जब ये खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट हुई तो खिलजी डायनेस्टी का जो महान रूलर रहा, खिलजी डायनेस्टी का सबसे महान रूलर जो रहा अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान ए जहां की उपाधि भी इन्होंने प्रदान की। सुल्तान ए जहां का मतलब होता है किसका सुल्तान, जहां मतलब होता है संसार, यानी विश्व का सुल्तान, यानी विश्व का सम्राट, ठीक है ना। सुल्तान ए जहां की उपाधि इन्होंने ही प्रदान की। जब ये एक बार कश्मीर को देखने गए तो कश्मीर को देख के इतने प्रभावित हुए तो इन्होंने ये कहा कि अगर दुनिया में कहीं अर्थ पर, यानी पृथ्वी पर कहीं अगर स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है। इसलिए इन्होंने कश्मीर को पैराडाइज ऑफ अर्थ, इन्होंने कश्मीर को पैराडाइज ऑफ अर्थ यानी धरती का स्वर्ग कहा। क्या कहा इन्होंने? कश्मीर को धरती का स्वर्ग। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है खमसा ए खुसरो। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है खमसा ए खुसरो। 1325 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 1325 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु कहां पर हुई? इनकी मृत्यु हुई दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। इनका जन्म तो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। उस समय एटा प्रांत था, तब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड नहीं था, उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो हुई वो कहां पर हुई? दिल्ली में हुई इनकी मृत्यु। इनकी एक बहुत इच्छा थी, इनके जो गुरु थे हजरत निजामुद्दीन औलिया, ये अपने गुरु को बहुत मानते थे और इनकी अंतिम इच्छा यही थी कि मेरी मृत्यु के बाद जो मेरी कब्र बने वो मेरे गुरु के पास में हो। इसलिए इनकी जो कब्र है, इनकी अंतिम इच्छा को पूरा किया गया। इनकी कब्र कहां पर है? इनकी कब्र है दिल्ली में। इनकी कब्र भी कहां पर है? दिल्ली में है। क्यों दिल्ली में है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो हजरत निजामुद्दीन की दरगाह है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो कहां पर है? वहीं पर दिल्ली में है। और उन्हीं के बराबर में कब्र है किसकी? इनकी, अमीर खुसरो की। क्योंकि ये इनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरी कब्र जो हो मेरे गुरु के पास में ही हो, इसलिए इनकी कब्र वहीं पर बनवाई गई। यही जानकारी थी अमीर खुसरो से रिलेटेड। आपको कैसी लगी हो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा है उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।